स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक, देखिए स्टूडेंट बोलता है, प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नांकित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। तो देखिए स्टूडेंट, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, और इन दोनों क्वेश्चन को हमें चेक करना है कि इनमें से कौन मायावी वर्ग है। इसके लिए क्या करेंगे, तो हमें प्रत्येक पंक्ति, है ना, तो पंक्ति का मतलब हो गया स्टूडेंट जो ये देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, ये पंक्ति हो गया, तो ये आपका हो गया पंक्ति, ठीक है। और स्तंभ, तो पंक्ति कितने हुए, है ना, प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति यानी तीसरा पंक्ति। इसी तरह से स्तंभ, स्तंभ कहने का अर्थ हुआ ये जो देख रहे हैं इस तरह से, ये यहाँ पे कहलाएगा स्तंभ। तो ये हुआ प्रथम स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। अब नेक्स्ट आता है प्रत्येक विकर्ण। तो विकर्ण का मतलब हुआ स्टूडेंट, देखिए ये जो दिख रहा है ना, इसमें विकर्ण खिंचाता है, तो ये आपका हो गया विकर्ण। ये आप कोई भी कह सकते, ये पहला विकर्ण, तो ये हो जाएगा दूसरा विकर्ण। तीन सभी में जो संख्या दिए गए, जैसे प्रथम पंक्ति तीन संख्याएं हैं, इनका क्या करना है, योग, और देखना है कि हर बार मान हमें एक समान मिल रहा है या नहीं। अगर मान हर समय एक समान मिलेगा सबका, तो कहेंगे मायावी वर्ग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और एक आपके लिए है। तो क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं स्टूडेंट। तो हम लोग लेंगे प्रथम पंक्ति की संख्याओं का योग। तो प्रथम पंक्ति की संख्याओं का योग, तो ये प्रथम पंक्ति हुआ स्टूडेंट, इसमें देखिए कौन सा नंबर है, तो 1-10 और ये 0। यहां लिखेंगे 1+-10+0। तो अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा इसको, तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें 1 तो 1+, ये गुना का साइन होता है, तो प्लस गुना माइनस माइनस। हम लोग इस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूजन है तो मल्टीप्लाई का बेसिक रूल के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, ठीक है, आप उसे जरूर देखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो प्लस गुना माइनस माइनस और ये 10, 0 का वैल्यू नहीं होता है। अब ये देखिए स्टूडेंट, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस डिफरेंट साइन, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 10 में 1 जाएगा तो 9, और बड़ा वाला माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, यानी मिलेगा -9। अब इसी तरह से करेंगे, है ना, दूसरा पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति की संख्याओं का योग। तो दूसरा पंक्ति देखिए स्टूडेंट, पहला हुआ दूसरा, -4-3-2, तो हम जोड़ेंगे इसको, -4+-3+-2, तो ये -4 हुआ, +-+(-2). अब ये देखिए तीनों एक जैसा साइन है, तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, ये सारे वीडियो हैं प्लस माइनस के लिए। तो सेम साइन ऐड होता है, तो ऐड होगा, है ना, एक जैसा साइन आपस में जुड़ता है, तो 4 3 7 7 2 9, बड़ा वाला माइनस तो माइनस। अब लिखेंगे तृतीय पंक्ति की संख्याओं का योग।
तो योग, तो देखिए तीसरा पंक्ति हमारा हुआ माइनस छ चार माइनस सात, तो यहाँ लिखेंगे माइनस छ प्लस चार प्लस माइनस सात, इसको ऐड करेंगे माइनस छ प्लस चार प्लस इंटू माइनस माइनस सेवन, तो ये सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट इसको आप इजी ऐसे कर सकते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, छ में चार गया तो दो, बड़ा वाला माइनस तो माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये हुआ सात, माइनस माइनस एक जैसा साइन है ऐड होगा, सात दू नौ, बड़ा वाला माइनस तो माइनस। तो अभी तक सब कुछ हमारा बराबर आ रहा है, ठीक है, तीनों पंक्ति का मान निकाले हैं, तो उन तीनों पंक्ति की संख्याओं का योग माइनस नाइन माइनस नाइन माइनस नाइन मिला। अब पारी है हमारा स्तंभ का, तो स्तंभ का तो लिखेंगे हम लोग प्रथम स्तंभ के संख्याओं का योग। तो देखिए प्रथम स्तंभ है ना, पहला स्तंभ ये हुआ, तो इस स्तंभ में वन है माइनस फोर है और माइनस सिक्स है, तो इसको हम लोग फिर जोड़ेंगे, तो वन प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स, तो ये हुआ वन प्लस इंटू माइनस माइनस फोर प्लस इंटू माइनस माइनस सिक्स। अब इसके बाद आप जानते हैं कि सेम साइन क्या होता है, जुड़ जाता है, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा छह चार दस माइनस तो बड़ा वाला माइनस। अब यहाँ से सिंपली है ये वन प्लस में है और टेन माइनस में, तो डिफरेंट साइन हुआ, डिफरेंट साइन में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो दस में गया तो नौ बड़ा वाला माइनस तो माइनस। अब लिखेंगे द्वितीय स्तंभ के संख्याओं का योग, तो दूसरा स्तंभ हो गया माइनस दस माइनस तीन और ये फोर, तो माइनस दस प्लस माइनस तीन प्लस फोर, तो माइनस दस प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री और प्लस फोर। अब सेम साइन क्या होता है, जुड़ता है, तो माइनस दस और माइनस तीन हो जाएगा माइनस तेरह प्लस चार। अब डिफरेंट साइन है, घटेगा स्टूडेंट, तो घटेगा तो तेरह में चार गया तो नौ बड़ा वाला माइनस तो माइनस। अब है ना तीसरा स्तंभ के संख्याओं का योग, तो तीसरा स्तंभ हमारा हुआ जीरो माइनस टू माइनस सेवन, तो जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस सेवन, तो ये हो जाएगा जीरो, तो जीरो जीरो का ऐसे वैल्यू तो नहीं होता है, छोड़ देते हैं, प्लस इनटू माइनस माइनस टू प्लस इनटू माइनस माइनस सेवन। अब सेम साइन है, जुटेगा सात और दो हो गया माइनस नौ। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितने स्तंभ थे, तीन स्तंभ थे और तीनों स्तंभ का जो योग आया स्टूडेंट वो है माइनस नौ, तो ये भी सेम जा रहा है। तो अब आखिरी बार है ना, अब लास्ट बचा हमारे लिए विकर्ण, और यहाँ पे दो विकर्ण हैं, तो हम लोग लिखेंगे प्रथम विकर्ण, तो प्रथम विकर्ण के संख्याओं का योग। तो प्रथम विकर्ण हमारा मान लीजिए लिए, तो जीरो माइनस थ्री माइनस सिक्स, तो ऐड करेंगे जीरो प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस सिक्स, जीरो का वैल्यू तो होता नहीं है, प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री प्लस इंटू माइनस माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस, सेम साइन ऐड होगा, छह तीन नौ बड़ा वाला माइनस तो माइनस। अब पारी है दूसरा विकर्ण के संख्याओं का योग, तो दूसरा जो एक बच गया वो हुआ स्टूडेंट वन माइनस थ्री और माइनस सेवन, तो वन प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस सेवन, तो देखिए वन प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री प्लस इंटू माइनस माइनस सेवन, वन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो सात और तीन हुआ दस। अब ये क्या होगा, प्लस में है और टेन माइनस में, तो घट जाएगा, दस में गया तो नौ बड़ा माइनस तो माइनस। तो इस तरह से
हमें जो इस वर्ग के विकर्णों का योग मिला वो भी क्या है, एक समान है। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग एक समान है, इसका मतलब यह एक मायावी वर्ग है। तो हम लोग आखिरी में लिख देंगे स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा इसीलिए हाँ यह एक मायावी वर्ग है। इसी तरीके से आपको चेक करना है क्वेश्चन नंबर ए का, ठीक है, कि यह एक मायावी वर्ग है या नहीं है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इसको आप कीजिए और अच्छा से बनाइए और कमेंट में जरूर लिखें कि आपका ये मायावी वर्ग आया या नहीं।